सो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर या फिर पीसी में जो भी ऐप इंस्टॉल्ड है उस ऐप को कैसे आप अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप मतलब यहाँ पर जो होम स्क्रीन है, इस मतलब जो होम स्क्रीन है होम स्क्रीन के अंदर ला सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे ऐप्स मैंने होम स्क्रीन पर है, जैसे कि क्रोम, ऑटो कैलेंडर, सब कुछ यहाँ पर है, जियो सिनेमा। तो इसको कैसे आप ला सकते हो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो विंडोज का बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। विंडोज के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐप के अंदर चले जाना है। ऐप के अंदर आने के बाद दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जिस भी ऐप को आपको यहाँ पर लाना है, डेस्कटॉप पे लाना है, उस ऐप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो है क्रोम को क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जरा सा क्रोम को ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो क्रोम पर है, तो थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, क्रोम नहीं था, थोड़ा सा क्रोम को ढूंढ लेंगे हम। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर गूगल क्रोम है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ऊपर है मोर का ऑप्शन, मोर पे क्लिक करके आपको ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। फाइल लोकेशन के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो सारे शॉर्टकट यहाँ पर है। जैसे कि देख सकते हो जितने भी एप्स का शॉर्टकट बन सकता है यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस ऐप को यहाँ से आप शॉर्टकट में ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ से एक्सेल करके दिखा देता हूँ, जैसे कि एक्सेल यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। और यहाँ पर कि देख सकते हो आप शो मोर ऑप्शन का नीचे एक ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करना है। और यहाँ पर है क्रिएट शॉर्टकट टू डेस्कटॉप, यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली यस कर देना है। और मैं इसको काट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों पहले एक्सेल नहीं था, अब एक्सेल का शॉर्टकट ये जो है डेस्कटॉप में आ गया। तो ऐसे ही आप किसी भी ऐप को डेस्कटॉप में ला सकते हो। वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।